हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज का दो अलग मॉडल्स लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं, जिसमें सबसे पहले आप मस्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आर्ट टू को पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों को रिमाइंड करना चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरीज की पिछली वीडियोस में कुछ चीज़ों को बताया है मैंने। सारे मॉडल्स को आपको पढ़ते हुए एक सिस्टम में सीक्वेंस में काम करने से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मॉडल ऑक्सिलरीज का सबसे महत्वपूर्ण रूल यह जानना आवश्यक है कि जितनी मॉडल्स प्रयोग होती हैं उन मॉडल्स के साथ आने वाली जो क्रिया होती है वह इन्फिनिटिव की होती है। यानी मॉडल्स के साथ मॉडल्स की सहायक क्रिया के साथ प्रयोग होने वाली जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके साथ जो मेन वर्ब प्रयोग किया जाता है या जो वर्ब प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वह इन्फिनिटिव में होता है। अब इन्फिनिटिव के दो फॉर्म्स होते हैं, दो रूपों में प्रयोग होता है इन्फिनिटिव। फर्स्ट वन इज इन्फिनिटिव विथ टू एंड सेकेंड वन इज इन्फिनिटिव विदाउट टू। मॉडल ऑक्सिलरीज के मैक्सिमम मॉडल्स ऐसे हैं जिनके साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू आता है, और कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनके साथ इन्फिनिटिव टू अवश्य लगाया जाता है, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आप इसे स्पेशल नियम के तहत देखेंगे, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, और बिना कुछ मॉडल्स के साथ जिनके साथ टू लगाना आवश्यक है उनके साथ टू नहीं लगा रहेगा, और जिनके साथ टू लगाना आवश्यक नहीं है उनके साथ टू लग जाएगा। तो इसे आप समझें, कैसे समझेंगे कि आप देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज की जो सीरीज है उसमें कुछ मॉडल्स के साथ इन्फिनिटिव टू लिखा हुआ है और कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनके साथ टू नहीं लिखा है। सिंपल वे, तब आप ये क्लियर कर लेंगे कि किन मॉडल्स के साथ इन्फिनिटिव विथ टू लिखना जरूरी है और किन मॉडल्स के साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। अभी तक मे, कैन, माइट, कुड, वुड, विल, शैल, शुड, इतने मॉडल्स आपने पिछली वीडियोज में देखा है। उसमें आप देखेंगे कि उसमें किसी भी इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किसी के साथ नहीं किया गया है, क्योंकि इन मॉडल्स के साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ भी मैं एक दो जो मॉडल्स आज लेकर आया हूँ उसमें आप देखेंगे तो मस्ट के साथ टू नहीं लगा और ऑट के साथ टू लगा, अर्थात मस्ट के साथ विदाउट टू का प्रयोग या इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा और ऑट के साथ इन्फिनिटिव विथ टू होगा। इस तरह से आप मस्ट और ऑट टू को समझने का प्रयास करें। प्रिय विद्यार्थियों, मस्ट और ऑट टू को पढ़ने से पहले आपको शुड को भी समझना चाहिए, क्योंकि चाहिए सिंबल के लिए, हिंदी में चाहिए जो सिंबल आए तो उसके लिए तीन मॉडल्स प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज शुड, सेकेंड वन इज मस्ट एंड थर्ड वन इज ऑट टू। ये चाहिए के अर्थ में या चाहिए सिंबल के लिए, हिंदी में चाहिए सिंबल के लिए प्रयोग होने वाली तीन मॉडल्स हैं। शुड का प्रयोग आपने देखा होगा कि एक सामान्य उसका मोड है, उस मोड के अनुसार उसका प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, आप ये भी जानते हैं कि मॉडल्स मोड चेंज हुआ तो मॉडल चेंज हो जाता है। मोड माइनर, ये ढंग तरीका बदला तो मॉडल चेंज कर दिया जाता है। इसलिए आपको यह समझने की जरूरत है कि किस मोड में कौन से मॉडल्स का प्रयोग करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि मस्ट का प्रयोग किस मोड में किया जाता है। फर्स्ट आप देखें, सबसे पहला है कि मस्ट का प्रयोग ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, कर्तव्य और बाध्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हमने दिया है कि हमें अपने करों को जमा करना चाहिए, इसमें मस्ट का प्रयोग किया, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस बिकॉज। अब आप यहां देख सकते हैं कि टैक्स को पे करना इट इज आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीवन मस्ट पे द टैक्सेस। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं कि मोड बदलेगा तो मस्ट के स्थान पर शुड भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि ये बाध्यता या ये कर्तव्य की वो ओर संकेत न करता, मोड न होता, एक साधारण रूप में यदि किसी को सलाह देने का आपका सेंस है तो देयर विल बी द यूज ऑफ शुड, वहाँ शुड का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि शुड का मोड है कि वो सलाह और सुझाव के सेंस में प्रयोग किया जाता है।
इसलिए शुड मस्ट के स्थान पर यदि शुड कहीं लगा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये मस्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ ड्यूटी का बोध होता है, तो वहाँ शुड का प्रयोग कर दिया गया है। इट मीन्स ड्यूटी की ओर संकेत ना करके वहाँ उसको सुझाव और सलाह की ओर संकेत किया गया, इसलिए शुड का प्रयोग किया गया। क्योंकि मोड चेंज, माइनर चेंज तो मॉडल चेंज हो जाते हैं, ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल यहाँ आप ड्यूटी, यहाँ ड्यूटी का संकेत हो रहा इसलिए मस्ट का प्रयोग करेंगे। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। यदि आप सेंटेंस में दृढ़ निश्चय का सेंस हो तो वहां पर मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उसे यह कार्य अवश्य करना चाहिए, ये देखिए दृढ़ निश्चय की ओर संकेत कर रहा है कि यह दृढ़ निश्चय है, उसे दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि उसे यह कार्य अवश्य करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग, ही मस्ट डू दिस वर्क, ये हो गया आपका फर्म डिटर्मिनेशन, सॉरी फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट आई है नेसेसिटी, आवश्यकता या अनिवार्यता। यदि ऐसी बात सेंस हो तो आवश्यकता का सेंस हो तो वहां पर जो है मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप देखें हमें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, वी मस्ट गेट अप अर्ली बिफोर सनराइज, मस्ट का प्रयोग किया यहां पर। मस्ट क्यों? क्योंकि ये आवश्यकता अनिवार्यता है। नेक्स्ट अजम्पशन के लिए, यानी कल्पना का सेंस हो, कोई काल्पनिक बात हो, काल्पनिक जो है वह संकेत प्रयोग कर किया गया हो तो आप ये समझ लें तो वहाँ मोड क्या है, कल्पना का मस्ट प्रयोग करना चाहिए। जैसे वह अब अवश्य ही 40 वर्ष का होगा, या उसे अब अवश्य ही 40 वर्ष का होना चाहिए। सेंस, अब आप सिंबल पर नहीं आएंगे, सिंबल जो है वो इसके यूजेस पर रहेंगे क्योंकि ये मोड देखना है, ये सिंबल चेंज हो सकता है। मोड यदि है तो आपको उसके अनुसार मॉडल प्रयोग करना होगा। जैसे यहाँ मोड माइनर क्या है, वह अब अवश्य ही 40 वर्ष का होगा, मीन्स यहाँ पर एक कल्पना है, ये एक तरह से जो है संभावना है, मन की संभावना है, तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे दिया हमने एग्जाम्पल को हल किया कि ही मस्ट बी 40 नाउ, मस्ट बी यानी होने के लिए और मस्ट का प्रयोग यानी ये हमारी कल्पना है, संभावना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मोड है प्रोहिबिशन, मनाही। यदि कुछ कोई चीज मना करने का सेंस है, कोई चीज मना की जा रही है तो वहां मस्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। नेगेटिव, स्पेशली नेगेटिव सेंस में जब किसी को मना करने की बात हो और एक तरह से मना करने का जोर देना हो तो मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे छात्रों को बिना अनुमति के क्लास नहीं छोड़नी चाहिए, स्टूडेंट्स मस्ट नॉट, ये देखें प्रोहिबिशन, मस्ट नॉट लीव द क्लास विदाउट परमिशन, इस तरह से निषेध यानी मनाही, मना करने के सेंस में भी मस्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक चीज और मैं बता दूंगा आप सभी को, मैं एक वीडियो दूंगा जिसमें मॉडल्स का एक मास्टर रूल दूंगा, जिसमें आप सेंटेंसेस, होता क्या है कि जब आप हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन को पढ़ने का प्रयास करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो सेंटेंस के हिसाब से मॉडल्स का एक फिक्स प्लेस होता है सेंटेंस में। वैसे आप जानते हैं कि मॉडल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज यानी मॉडल की सहायक क्रियाएं हैं, तो इनका प्लेस तो सहायक क्रिया के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद होती है, नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नेगेटिव या नॉट का प्रयोग किया जाता है, और इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया पहले होती है यानी मॉडल्स पहले हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मॉडल्स, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका फार्मूला आपको दिमाग में रखना चाहिए। वैसे इसका मास्टर रूल आपको और समझना हो तो आपको टेंस के दिए हुए मेरे सारे रूल्स को देखना चाहिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। टेंस के मास्टर रूल में जब आप देखेंगे टेंस चार्ट और उसके मास्टर रूल की एक अलग वीडियो मैंने दे रखी है, मेरे
YouTube चैनल पर जाइए और उसमें प्लेलिस्ट में सर्च करिए, तो आपको टेंस के प्लेलिस्ट में मिलेगा कि पूरे टेंस को एक चार्ट में कैसे देख सकते हैं। मात्र 15 मिनट की वीडियो में आपका पूरा पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा और उसमें जो है दिए गए मास्टर रूल्स भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात होती है वहाँ वहाँ टेंस या मॉडल्स बदल जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के स्थान पर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। से सारे रूल्स जितने हैं वो पूरे के पूरे लागू होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी पर। फिलहाल इससे रिलेटेड मैं आप सभी को एक मास्टर रूल अवश्य दूंगा। आप इस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि मस्ट का प्रयोग करते समय किन मोड का ध्यान देना चाहिए। पहला तो ड्यूटी का, दूसरा फिक्स डिटर्मिनेशन का, तीसरा हो गया नेसेसिटी का, और चौथा हो गया एजम्पशन का, और पांचवा हो गया प्रोहिबिशन का या निषेध व्यक्त करने के लिए। इन पांच मोड में मस्ट का प्रयोग आपको करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों आइए नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी की ओर चलते हैं, आर्ट टू का प्रयोग। आर्ट टू भी हिंदी सिंबल चाहिए के लिए प्रयोग होता है। और के साथ टू का आना आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इन्फिनिटिव विथ टू रहेगा, यानी जब भी लगेगा तो और के साथ आने वाली जो क्रिया होगी वह इन्फिनिटिव टू होगी। ये मॉडल के रूप में केवल ऑट है लेकिन यहाँ प्रयोग होता है टू, चूंकि ये कंपल्सरी है इसलिए इसको लिख करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है कि ऑट के साथ इन्फिनिटिव विथ टू लिखिए। कहाँ होता है, किस मोड में? प्रिय विद्यार्थियों यहाँ दो मोड केवल देखने को मिलते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी ऑट टू का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य, नैतिकता का बोध करवाया जा रहा हो। कर्तव्य तो आपने देखा कि इसमें भी है, ये ड्यूटी यहाँ भी है, लेकिन नैतिक कर्तव्य का बोध करवाया जा रहा हो, नैतिकता का की सीख दी जा रही हो, वहां आपको ऑट टू का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहां देखिए, अपने बड़ों का सम्मान करना इट इज योर मॉरल ऑब्लिगेशन, ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। या हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, इट इज आवर मॉरलिटी, इट इज आवर मॉरल सेंस, हमें अपने देश से प्रेम करना ही चाहिए। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, ये हुआ सेंस मॉरल ऑब्लिगेशन का। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अत्यधिक संभावना हो किसी चीज की तो वहां पर ऑट टू का प्रयोग करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी सेंस आप समझें, इसमें सारे मॉडल्स में यूजेस में थोड़ा थोड़ा माइन्यूट डिफरेंट है, मोड चेंज मॉडल चेंज। यहां देखें जैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमारी टीम को मैच जीतना चाहिए, यहां अत्यधिक संभावना के लिए कहा जा रहा है। यदि ये केवल सलाह के लिए हो जाता, सुझाव के लिए हो जाता, एक कॉमन में होता तो शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट यहां इसीलिए यहाँ पर संकेत दिया कि नहीं, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए है कि इसको कहते समय कोई जो भी इस सेंटेंस को क्रिएट करेगा या सामने रखेगा तो उसके सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मोड होगा, तो वहां पर ऑट टू का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारी टीम को मैच जीतना चाहिए, आवर टीम ऑट टू विन द मैच। इस प्रकार आप सभी ने मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट और ऑट टू को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मॉडल से संबंधित सारे कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे और आप अच्छे से इसे कर पाएंगे या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।